देखना, वो डॉक्टर ने देखना है, या तो आप कहें भी जी मैंने देखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने देखना नहीं है, आपका काम नहीं है, डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर क्यों नहीं आता? कोई भी अगर पशु बीमार, जब वो सैलरी दे रहा है वो आपको अपनी सैलरी देता है? मैं बताऊ, वो अपनी सैलरी में से हिस्सा देता है आपको? जब आपको अपनी सैलरी में से हिस्सा नहीं देखता तो आप उसकी नौकरी क्यों कर रहे हैं? एक फालतू बिल्ली के बच्चे की मौत को बिल्ली के मालिक ने पशु चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट के साथ किया बवाल। बिल्ली के मालिक ने लगाया नालागढ़ में तैनात पशु चिकित्सक पर लापरवाही करने के आरोप। पशु चिकित्सालय में नियुक्त डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमेशा ही अस्पताल से गैर हाजिर रहते हैं और सिर्फ एक फार्मासिस्ट के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। गौ रक्षा दल हिमाचल के प्रधान डीडी राणा ने बताया कि नालागढ़ में तैनात पशु चिकित्सक इलाज करवाने आने वाले पशु मालिकों के साथ दुर्व्यवहार करता है और पहले भी इनकी लापरवाही से कई पशुओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? मैं प्रदेश अध्यक्ष गौ रक्षा दल हिमाचल प्रदेश डीडी राणा, आज जो मतलब कि अपने नालागढ़ एनिमल जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, इसका एक मामला हमारे पास आया है कि यहाँ पे लोकल अश्विनी कुमार जी, जिनका एक अपना पशु था, जिससे पहले कि एक वो गऊ के बछड़े को भी लेकर के आए थे जिसको बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े हुए थे, उसको यहाँ से नालागढ़ की जो अपनी कमेटी की गौशाला है वहाँ रखा गया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उसका कोई भी उचित जो है उपचार नहीं किया गया और उसके पश्चात उसकी मौत हो गई। वैसे ही कल रात ये अपने एक पालतू बिल्ली को लेकर के यहाँ पे आए, बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन इन्होंने उसका उपचार करने के लिए मना कर दिया। तो जो यहाँ पे रात को कि ड्यूटी पे तैनात थे, इन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर इसको देख लें, तो उन्होंने मना कर दिया कि इस वक्त हम डॉक्टर साहब को नहीं बोल सकते, आप इसको सिंपल एक पैरासीटामोल दे दीजिए। लेकिन इसका कारण यह कि उपचार के कारण उस बिल्ली की भी मौत होगी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल हॉस्पिटल जो है चल रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर तैनात हैं, तो वो जीव जंतुओं की सेवा के लिए है, रक्षा के लिए है, लेकिन अगर डॉक्टरी भक्षक बन जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बात है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे डॉक्टरों को या तो सबक सिखाया जाए या उनको यहाँ भयानक बीमारी, आजकल पशुओं को भयानक बीमारी चली हुई है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण पशुओं की अनदेखी है, इसके कारण प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इन डॉक्टरों को जिनको आपने सेवा में पशुओं की सेवा में नियुक्त किया है, वे अपनी लापरवाही ना बरतें और इसे अपने जिम्मेवारी समझकर पशुओं का इलाज करें। ये बहुत लापरवाह कर रहे हैं, ना अंदर से तो कोई मेडिसिन मिलती है ना कुछ हो, जब भी कोई दवाई लेने आए ये बाहर को पर्ची बनाकर दे देते हैं मेडिकल स्टोर से, पता नहीं इनका क्या है उनके साथ ना, अंदर से कोई दवाई नहीं मिलती। मैं यहाँ से 10 बार दवाई लेके गया हूँ, 20 बार पर, लेकिन यहाँ से एक बार भी दवाई अंदर से नहीं मिलती। इनका बिहेव कैसा रहता है? पर इनका ऐसे भी जब आओगे आप, चलो जी आप ये ले लो, ये दवाई ले लो, लिख के पास मेडिकल स्टोर से ले लो, ना जानवर को चेक करते हैं ना कोई, को लेना ना देना, ऐसे बोल नहीं ना है। अभी जैसे आप पशुओं की इतनी भयंकर बीमारी चल रही है, ये एक बार भी चेक करने नहीं जाते। वो अनजान लड़के हैं जो आजकल शिफ्ट का ये उनको भेज देते हैं, उनको क्या मालूम है, जो एक्सीडेंट होल्डर है वो यहीं पे बैठे रहते हैं। ये गलत बात है, जो आज पशुओं एक अनमोला घर है, उसको इनको देखना चाहिए। अगर इनसे नहीं होता तो किसी और को बैठा दें यहाँ पर। सरकार से गुजारिश है कि इतना सेंटर है, यहाँ का गाँव है लाख पास, पर इनकी लापरवाही इतनी वो है अभी। बिल्ली का बच्चा था, बीमार था, मैंने इनको बोला कि इसको इलाज करो, ये बोलते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है इसका। मैंने बोला कि आप अपने डॉक्टर को फ़ोन कर लो, ये बोलते हैं नहीं 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 आप इसको ले जाओ, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। एक दिन मैं पहले आया, इनके पास एक बच्चा था, उसके कीड़े पड़ चुके थे, तो इन्होंने 2 कंपाउंडर भेजे मेरे साथ, लड़के जो ट्रेनर हैं, तो उन्होंने जाके जब उसका हाल देखा ना, तो इस लक्ष्मण है इनका नाम क्या है, इनको फ़ोन किया कि आप मौके पे आके देखो, ये मौके पे बिल्कुल नहीं आए देखने। जो सीनियर डॉक्टर है, जो डॉक्टर है यहाँ पर लक्ष्मण डॉक्टर है, वो बिल्कुल नहीं आया। ये मिसबिहेव करता है, मिसगाइड करता है, बिल्कुल मना कर दिया। हम इसे जानना चाहते हैं कि ये इनकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर, इनसे पूछिए। अगर कोई जानवर एनिमल आता है तो ये उसका ट्रीटमेंट करेंगे नहीं यहाँ? इनके पास ट्रीटमेंट का है नहीं है, तो है नहीं है तो इनको पूछा जाए क्या है या नहीं है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है, अगर ऐसे डॉक्टर होंगे तो आप देखो क्या एनिमल